लगता है अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत से बीजेपी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। बीजेपी को शायद लगा हो कि पीएम मोदी का स्वागत इससे और बेहतर होना चाहिए था। बीजेपी ने आज पालम एयरपोर्ट पर इसकी भरपाई का पूरा इंतजाम किया हुआ था। मोदी के जश्न की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि पालम एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी प्लेन से उतरे होंगे तो उनके कानों में भी ढोल नगाड़ों की आवाज जरूर पड़ गई होगी। मोदी, मोदी, मोदी। पीएम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने पलक पांवड़े बिछा दिए। मोदी जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। पुष्प वर्षा का आनंद लेते हुए मोदी जी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं के नारों का जवाब दे रहे थे। एयरपोर्ट पर बीजेपी ने एक स्टेज भी सजाया हुआ था। पीएम मोदी मंच पर पधारे, दिल्ली के बीजेपी नेताओं और सांसदों ने मोदी जी को मालाओं से लाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। और फिर बीजेपी नेताओं के बीच पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की मिठाइयां बांटने का सिलसिला चल पड़ा। हम सबको बहुत ही खुशी है कि आपने भारत का गौरव सम्मान तो दुनिया में बढ़ाया ही है, लेकिन भारत के 130 करोड़ जनता को भी गौरव का एहसास इन सब बातों से तो कराया ही है, लेकिन 157 भारत की कलाकृतियां जो विभिन्न कालखंड में भारत से चली गई थी उनको वापस ला करके आपने भारत का गौरव मान और 130 करोड़ की जनता का मान बढ़ाया। मोदी, 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 मोदी। पीएम मोदी को खुद अंदाजा नहीं रहा होगा कि अपनी वतन वापसी के बाद उनके स्वागत का इतना रंगारंग इंतजाम हो। ऐसा लग रहा था मानो ऐसे स्वागत का धन्यवाद करने के लिए पीएम मोदी के पास शब्द कम पड़ गए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वैसे एक लिहाज से तो पक्का पीएम मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक रहा। पीएम मोदी अमेरिका से देश की अमूल्य और ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लेकर आए, जिसमें 157 कलाकृतियां और पुरावशेष शामिल हैं, जो कभी भारत से तस्करी और चोरी करके अमेरिका ले जाए गए थे, जिसमें से 2000 साल से भी पुरानी भारतीय धरोहरें शामिल हैं। इस ऐतिहासिक कामयाबी का स्वागत तो पूरा देश कर रहा है। वैसे आज बीजेपी ने उदाहरण पेश किया है कि भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका में स्वागत की कैसी तैयारी की जा सकती थी। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।